से यात्रा पर रवाना हो गए हैं और पीएम अमेरिका में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। ये समिट पहले भारत में होनी थी लेकिन बाद में इसे अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने गृह नगर विल्मिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे और इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा भी शामिल होंगे। बात अगर क्वाड की करें तो इसका मूल अर्थ है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो बहुत बड़े पैमाने पर तटीय देश प्रभावित हुए थे और इसी के बाद भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने तटीय प्रभावित देशों की मदद करने का कदम उठाया था। 2007 से लेकर 2010 के बीच क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक होती रही और इसी के बाद बैठक बंद हो गई है। इस बीच चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर काफी दबाव बनाए और इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया इस संगठन से दूरियां बनाने लगा। तो अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए पीएम मोदी के रवाना होने की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्वाड समिट में वो शामिल होंगे और बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए अमेरिका दौरे पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। क्या है जानकारी इस पूरे दौरे को लेकर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल सालाना क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे। सालाना क्वाड शिखर सम्मेलन में उनका हिस्सा लेना होगा। इसके बाद आगे की जानकारी यह है कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज हैं जो तटीय इलाके के हैं। समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके बाद अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी उनकी बैठक होगी, यानी कि ये दौरा उनका कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्वाड क्या है। क्या है क्वाड, आपको बता दें कि ताकतवर संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर संगठन, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसे क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। 2007 में इस क्वाड संगठन का निर्माण हुआ था। साल 2007 की बात करें, 2017 में दोबारा इसे सक्रिय किया गया। तटीय इलाके वाले जो भी कंट्रीज हैं, जो भी देश हैं, उनका साथ भारत और इसके साथ साथ कुछ अन्य देश जो हैं वो देते हैं। भारत और अमेरिका क्वाड में शामिल हैं ताकि तटीय क्षेत्र वाले देशों का पूरी तरह से मदद की जा सके। ऑस्ट्रेलिया और जापान भी क्वाड में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 4 देश हैं जिसे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 देशों का सम्मेलन होंगे और इस क्वाड्रिलेटरल स्क्वाड के साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि इस नई